इंदौर में एक दिवसीय नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन 4 जनवरी को किया जा रहा है। भविष्य की शिक्षा पर मंथन करने के लिए आयोजित इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित 12 राज्यों के 500 से अधिक शिक्षाविदों के साथ विदेशों से भी शिक्षाविद आ रहे हैं। जानकारी देते हुए कॉन्क्लेव के कन्वेनर समीर मूले व आशीष सिंह ने बताया कि संस्था द्वारा पिछले कई सालों से शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव का दूसरा चैप्टर आयोजित किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव को आयोजित करने का मकसद शिक्षा के वर्तमान और भविष्य की परिदृश्य सरकारी नीतियों, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों के सिंक्रोनाइजिंग पर चर्चा करना है। नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव 4 जनवरी को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। सभी या ऐसे ही छोड़ दिया है कि कल तुम अपने आप पास कर दो, कॉलेज जो चलना होगा ज्वाइन कर लेना, कोई लिंक नहीं रखा है, तो क्या उस पर कुछ सरकार करने को जा रही है तो या करने की जरूरत है, वो सब पर हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली पूरा दिन भर का इवेंट रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का पूरा हमारा इवेंट रहेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 4 जनवरी को प्रातः 9 बजे सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी की मौजूदगी में होगा। ये दूसरी बार हम ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं। फर्स्ट कॉन्क्लेव हमने लास्ट ईयर किया था रविन्द्रनाथ ग्रह में, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि हम सोशल लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे एजुकेशनिस्ट जो सोशल मुद्दों पर काम कर रहे हैं एजुकेशन में, उन लोगों को बुलाएं। इस बार हमारा पूरा एक उद्देश्य है, हम पूरे देश के लगभग 500 के आसपास प्रिंसिपल्स को हम बुला रहे हैं और 16 स्पीकर्स हैं अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए, जिसमें पल्लवी सिंह हैं सिंगापुर से, आपका चेतन सोलंकी जी हैं, अजय बहादुर सिंह जी हैं उड़ीसा से, तो ये सभी लोग आ रहे हैं। ये सब लोग जो मेन उद्देश्य है अब इस बार करने का, वो यही है कि हम शिक्षा को किस तरह से एक शिक्षा पर बात करने के लिए एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएँ। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, शिक्षा में जो नए बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को हम कैसे पहुंचा पाएँ लोगों तक, और शिक्षा पर जो भी एक स्वस्थ डिस्कशन निकल के आना चाहिए, वो स्वस्थ डिस्कशन क्या निकल के आ पा रहा है, इन 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 चीज़ों पर लेकर हम वहाँ बात करेंगे। अलग अलग शिक्षाविद होंगे जो हमने बताया आपको, और पूरा जो इवेंट है वो दिन भर का इवेंट रहेगा, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक हम बात करेंगे। पहला सेशन हमने 2 घंटे का रखा है, जिसमें शिक्षाविद एकेडमिक पार्ट में क्या होना चाहिए शिक्षा में, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एकेडमिक के अलावा फिर वैल्यू एजुकेशन क्या होना चाहिए, क्या साइकोलॉजिस्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, कंपटीशंस लेवल में क्या इनकॉर्पोरेट होने की ज़रूरत है शिक्षा में, उन पर बात करेंगे। और उसके बाद जो है हम 2 पैनल डिस्कशन रख रहे हैं, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करेंगे हम वहाँ, और दूसरा जो है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर बात करेंगे। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।